but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above. ऑल सेट फॉर बीच. बहुत दिन से मुझे जाना था, कोई गया तो नहीं, बट हम अब जा रहे हैं बीच. और मैं शाम के 5 बज गया है, तो इट्स गोइंग टू बी गुड वेदर फॉर अस. ऑल सेट, मैं रेडी, बुबू भी रेडी, गोइंग टू हैव सम फन. हमारे साथ 3-4 लोग और जा रहे हैं. वैसे यहाँ पे एनिमेचर्स कुछ है नहीं, मतलब कैफे नहीं, हमारे साथ नहीं जा रहे, हम उनके साथ जा रहे हैं. यू कैन से दैट. तो वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं बहुत देर से, 15 मिनट उनको वेट करते करते. सो अभी हम जाते हैं फटाफट और फिर देखते हैं कैसा है बीच. एक ही चीज़ है यहाँ पे घूमने की और कुछ भी नहीं है, सो इसलिए मैंने कहीं बाहर जाके कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया. कल सुबह हमारी फ्लाइट है. आई थिंक अभी 11 बजे के आसपास हमें अपना सारा लगेज लुगेज रख देना है, क्योंकि टुमारो वी आर लिविंग फॉर मेलबर्न, क्योंकि नेक्स्ट मैच मेलबर्न में है. तो वी आर गोना पैक एवरीथिंग क्विकली एंड गोना सी यू गाइस प्रीटी सून. द कंडीशन एट द मोमेंट, ये अभी हमें सब कुछ पैक रैप 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 करना है, वाइंड अप करके फिर निकलते हैं. अच्छा, ये मेरा आपने खोला था. पैकिंग इज डन एंड वी हैव टू लीव टुमारो इन द मॉर्निंग, सो वी आर गोना गो एंड स्लीप, बिकॉज सुबह बहुत जल्दी की फ्लाइट है 6:45. सो आई एम गोना सी यू गाइज इन द मॉर्निंग. इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग बिकॉज वी आर गोइंग टू मेलबर्न. मेलबर्न बहुत अच्छी जगह है ना. बहुत अच्छी जगह है, वेदर भी बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है वहाँ पे. सो लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू बी. मैंने देखा है लोगों की रील में. पता क्या, एक लड़की ने क्या पहना था, एक तरफ छतरी ले रखी है, एक तरफ टोपी पहनी हुई है, एक तरफ पैंट निक्कर पहनी हुई है, एक तरफ पूरा वुलन का वो पहना है. मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज होता है वेदर. बट लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू बी एंड इट्स गोइंग टू बी फन. वी आर गोना गो आउट देयर, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ज्यादा करने के लिए था नहीं. सो आज बस जो बीच जा सकते थे वहीं पे हम गए, और नॉट इवन बीच बीच काइंड ऑफ अ थिंग, बट हाँ थोड़ा सा वॉक के लिए वाज फन. सो या स्टे ट्यून, इट्स गोइंग टू बी फन. सी यू गाइस इन द मॉर्निंग. बाय. वी आर ऑल सेट टू गो. भाई लेट हो गया है, कितनी भी जल्दी उठ जाओ ना लेट हो ही जाते हैं. ऑलमोस्ट रेडी. और अभी देख लो बाहर इतनी 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 धूप हो रही है, जैसे कि इंडिया में 2 बजे की धूप ही पड़ती, वैसे यहाँ सुबह 6 बजे की धूप पड़ रही है. एनी वे वी आर ऑल सेट टू गो एंड क्या दैट्स मैं OTT दिखाऊंगी मैं एयरपोर्ट पर. ठीक है, फ्लाइट इज डिलेड बाई 15-20 मिनट्स. वी आर श्योर फॉर अ क्विक कॉफी. चश्मा लगाऊंगा फिर मैं व्लॉग में आऊंगा. से गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग दोस्तों. जॉयस अभी नहीं दिखूंगी, क्योंकि बिल्कुल मतलब इतना बेकार दिन था. आई कांट टेल यू. कहते हैं ना कि सुबह अगर आपका दिन खराब हो तो फिर पूरा दिन खराब ही होता है, तो वही हुआ मेरे साथ में. मतलब आज सुबह कुछ अच्छे दिन से, मतलब अच्छे नोट से शुरू नहीं हुआ था, तो फिर पूरा दिन ही बेकार रहा. तो आज हमारी फ्लाइट थी मकाई टू ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन टू मेलबर्न. ओके, एंड देयर इज समथिंग अबाउट ब्रिस्बेन एंड मी, वी जस्ट डोंट गो वेल टुगेदर. तो वही चीज़ हुई, मतलब पहले भी सेम चीज़ हुई थी, मैंने आपको बताया था उस वाले व्लॉग में, मेरा बुकिंग ही नहीं था. आज भी सेम चीज़ हुई, मतलब ऑलमोस्ट सेम चीज़. मेरी फ्लाइट कोई और थी और मेरी फ्लाइट इन लोगों से पहले थी, और अदरवाइज इन लोगों की फ्लाइट 1.5 घंटे के हॉल्ट के बाद थी. अब हम ना ब्रेकफास्ट, मतलब हम कुछ खाने के लिए चले गए, एंड देन आई हर्ड माई नेम एंड देयर वाज दिस अनाउंसमेंट गोइंग ऑन, लास्ट पैसेंजर स्वाति स्वाति स्वाति. मैं क्या है, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं भाई, मैं तो इनके साथ जा रही हूँ ना.
एंड आई वॉज लाइक लिटरली इन शॉक कि भाई मेरा नाम कहाँ से आ गया. और मैं भागती हुई गई, गेट नंबर भी नहीं लिखा हुआ था, मैं पूछते हुए भागते हुए गई. द एयरपोर्ट वॉज न्यू टू मी, पता ही नहीं, मेरा हाथ दुख गया, पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है. मैं बस भाग रही हूँ. और वो लोग मुझे बोले डोर क्लोज, एंड आई वॉज लिटरली सो पिस्ड. एक तो ये कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, और दूसरा ये कि ऑफकोर्स उनका फॉल्ट तो कुछ नहीं था, मतलब इट वॉज नॉट नवदीप्स फॉल्ट, इट्स जस्ट टीम हु मैनेजेस एवरीथिंग. और उनका भी फॉल्ट नहीं था, वो हो गया, मिस मैनेजमेंट हो जाता है बहुत बार, हमसे खुद से भी हो जाता है. बट यार सम हाउ आई लैंडेड, इसलिए मैंने पूरा टाइम व्लॉग ही नहीं किया. मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, आई कांट टेल यू. फिर अभी मैं लैंड हो चुकी हूँ, नाउ आई एम इन हैप्पी मूड बिकॉज आई लाइक द सिटी एंड द वाइब. यहाँ पे जैसे मकाए में ना बहुत शांत था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे तो बहुत हैपनिंग सी वाइब है. और मैं अभी आपको रूम टूर देती हूँ, अभी हम रूम चेंज करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्विन बेड है, तो रूम चेंज करा के मैं आपको रूम टूर देती हूँ. एंड वी आर डायरेक्टली गोना गो फॉर लंच बिकॉज वी आर सुपर हंगरी. सो सी यू गाइस. इतना खा लिया ना, हमने इतना सारा खाना ऑर्डर करा था, खाया हमसे गया नहीं. फिर क्या था, एक दूसरे से कह रहे तूने नहीं खाया, तूने नहीं खाया, पर मैंने तो बहुत. पर हमारे पास है रेस्क्यू फॉर तनुष, आप तो खा ही रहे. मेरे कोफ्ते खा रहा हूँ, मतलब मेरे मंगाए. वी आर बैक इन द रूम, तो मैं डालूंगी. रूम इतना हैवी लंच था, लंच तो क्या बोले आप उसको, इवनिंग स्नैक्स भी नहीं बोल सकते, बट खाना इतना बथेरा था, मतलब हद से ज्यादा खाना था, हद से ज्यादा. और इतनी प्यारी सनलाइट आ रही है यहाँ पे ना, अब 7:30 हो रही है और अब सनलाइट होने, अब सनसेट होने वाला है मतलब यहाँ पे, और मकाए में अब तक ना रात हो गई होती है. सोच लो एक दिन में जज्बात बदल गए, दिन बदल गया, रात बदल गई, हालात बदल गए. सो वी आर सो फुल फॉर नाउ. आई थिंक अभी हम थोड़ी देर के बाद में फ्रेशन अप हो गए, अभी हमारा लगेज भी आ गया. सो पीछे जाते हैं वापस से, क्योंकि मुझे देखना है नाइट में वो कैसा दिखता है, लाइटिंग और कैसा, मतलब क्या वाइब है उसकी. फिर चलते हैं, क्योंकि आज तो आज सच कुछ करने को है नहीं, मतलब मेजर यहाँ पे है तो बहुत कुछ, बट वी आर लेट फॉर एवरीथिंग. सो टुमारो वी आर गोइंग टू प्लान अ डे नाइसली एज पर नवदीप शेड्यूल. तो या Stay tuned. We are ready for outing. बाहर बहुत ठंड है, तो फिर अभी हम लोगों ने कुछ ऐसे जो भी हमारे पास विंटर क्लोथ्स थे मिनिमल, वो पहन के वी आर रेडी. शुड वी मूव, आर वी रेडी? अच्छा गाइस, यहाँ पे तो वी रियली नीड विंटर क्लोथ्स, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर. ठंडी गाइस, द नाइट व्यू इज इनसेन. अभी तो ये बन रहा है, ये और बनेगा, क्रिसमस रेडी, इट इज गेटिंग वाओ ब्यूटीफुल. ये मेरा चांद, एक वो चांद, इतना खूबसूरत लग रहा है दोनों, वाओ गाइस. जैसे हम देखते हैं बंदों की ना, जिनकी फोटो बनाता होता है कोई, अबे यार ये क्या बना है, और पूरा कार्टून बना दिया उनका, देखो वो कितने फनी कर दिए. वो दो बंदे थे, इन्होंने ये बना दिया उसका जोकर. भाग चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अभी. दिल्ली में तो शायद ठंड शुरू भी नहीं होगी, और यहाँ पे मतलब दिन दबा के ठंड पड़ रही है. दिन दबा के हाँ, दिन दबा के ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी है. और अभी हम रूम पे जाएंगे, हॉट चॉकलेट पियेंगे. मुझे सूप पीना था, पर कहीं पे सूप ही नहीं मिला, इमेजिन सूप ही नहीं मिला अपनी. तो अभी मैं जाकर रूम पे हॉट चॉकलेट पियूंगी, और क्योंकि इतना हैवी हमने शाम को खाना खाया था, तो कुछ खाने का प्लान तो है नहीं. हॉट चॉकलेट पीते हैं, मूवी देखते हैं, कॉल मिला रही. हॉट चॉकलेट लिया, वाटर इज रेडी, टेक
सो क्यूट मग्स. वाओ और मेरी हॉट चॉकलेट रेडी हो चुकी है. हॉट चॉकलेट पी के अब मैं लगी हूँ सोने. बहुत ही एक्सट्रीमली टायरिंग दिन था. आपको तो पता चली है मेरा पूरा दिन कैसे था. सो आई एम गोना एंड दिस व्लॉग हियर. इफ़ वी आर गोइंग समवेयर टुमारो, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग, सो मैं उसके लिए नया व्लॉग बनाऊँ या इसी में कंटिन्यू करूँ मैं सोचूंगी. तो अगर मैंने कंटिन्यू कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक डेट. इफ यू डेट डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.